हेलो क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल माइसल परमेश्वर सिंह क्लास इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज आंसर्स ऑफ लेसन सिक्स एंड लेसन नेम इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू सी सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ अरेंजड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर मीन्स एक प्रेजेंटेशन किसका करेक्शन होता है जो सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेन्ज होते हैं तो इसका आंसर है स्लाइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेशन इज वाइडली यूज टू प्रेजेंट मीन्स एक प्रेजेंटेशन का मुख्यतः किसको प्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए आइडियाज एंड व्यूज को नेक्स्ट क्वेश्चन आर द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट आर पार्ट ऑफ मोस्ट स्लाइड लेआउट्स मीन डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो कि ज्यादातर स्लाइड्स के पार्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो इसका आंसर प्लेस होल्डर नेक्स्ट क्वेश्चन की कैन बी यूज टू रन द प्रेजेंटेशन मीनस एक प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर है एफ फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन

पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन होता है टाइटल स्लाइड के साथ जो कि उसकी फर्स्ट स्लाइड होती है तो ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्टार्टिंग पावर पॉइंट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेमड स्लाइड 1 अपीयर्स ऑन द स्क्रीन मींस पावर पॉइंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आता है जिसका नाम होता है स्लाइड 1 तो ये फॉल्स है क्योंकि उसका नेम होता है प्रेजेंटेशन 1 नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सेव योर प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द कंट्रोल प्लस एस की कॉम्बिनेशन मींस आप अपने प्रेजेंटेशन को कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करके सेव कर सकते हैं तो ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्लोज पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लिक ऑन फाइल टैब एंड चूज क्लोज ऑप्शन मीन्स पावर पॉइंट एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आप फाइल टैब पर क्लिक करिए और वहां पर ऑप्शन होता है क्लोज का उसको चूज करिए तो ये फॉल्स है क्योंकि इस तरह से आपका केवल जो प्रेजेंटेशन ओपन रहेगा वो बंद होगा पावर पॉइंट एप्लीकेशन बंद नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू प्रेज़ेंटेशन इज कंट्रोल प्लस एम की कॉम्बिनेशन मीन्स एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम तो ए भी फॉल्स है क्योंकि कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है करेंट प्रेजेंटेशन में सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सुरुचि टीचर हैज आस्ड हर टू मेक अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ प्री डिजाइंड लेआउट बैकग्राउंड एंड कलर स्किम्स मींस सुरुचि के टीचर ने उसे एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा है प्री डिजाइंड लेआउट बैकग्राउंड और कलर स्किम्स का प्रयोग करके ओके okay? जेस्ट हर टू अकॉम्प्लिस दिस टास्क ओके तो इस कार्य को पूरा करने के लिए आप उसे कौन से ऑप्शन का सजेशन देंगे तो इसका आंसर है सुरुचि सुड यूज टेम्पलेट ऑप्शन फ्रॉम फाइल टैप ओके तो सुरुचि को टेम्पलेट ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए फाइल टैप से नेक्स्ट क्वेश्चन राघव हैज क्रिएटेड प्रेजेंटेशन ऑन गो ग्रीन बाई यूजिंग प्री डिजाइन टेम्पलेट्स ओके राघव ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है गो ग्रीन जिसका नाम है और उसने प्री प्रीडिजाइंड टेम्पलेट का यूज करके इस प्रेजेंटेशन को बनाया है ओके ही वॉन्ट्स टू सेव द प्रेजेंटेशन ओके अब वो प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहता है बट ही डज नॉट नो हाउ टू सेव द प्रेजेंटेशन ओके लेकिन वो प्रेजेंटेशन सेव कैसे होता है उसे पता नहीं है ओके तो सजेस्ट हिम द ऑप्शन टू डू द सेम ओके तो इस कार्य को करने के लिए आप उसे ऑप्शन सजेस्ट करिए तो होगा राघव शुड यूज सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल टैप ओके तो राघव को सेव ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए फाइल टैप सेक्शन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच एमोंग द होम टैब मींस निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन होम टैब को ओपन करता है ऑप्शन ए अल्ट प्लस एफ फोर ऑप्शन बी अल्ट प्लस एच ऑप्शन सी अल्ट प्लस एम तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी अल्ट प्लस एच नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ एरिया वेयर वी कैन टाइप द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्लाइड मींस उस एरिया का नाम क्या है जहां पर हम करंट स्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं ऑप्शन ए टाइटल बार ऑप्शन बी कमेंट ऑप्शन सी नोट्स पेन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी नोट्स पेन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स मीन वह कौन है जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले कमांड्स को कॉन्टेंट करता है ऑप्शन ए रिबन ऑप्शन बी टैब ऑप्शन सी क्विक एक्सेस टूल बार तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी क्विक एक्सेस टूल बार जैसा कि इसका नेम है नेक्स्ट क्वेश्चन द अ थंबनेल वर्जन ऑफ इच स्लाइड मीन्स प्रत्येक स्लाइड के थंबनेल वर्जन को दिखाता है कौन ऑप्शन ए स्लाइड टैब ऑप्शन बी स्टेटस बार ऑप्शन सी स्लाइड नेविगेशन पेन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्लाइड नेविगेशन पेन नेक्स्ट क्वेश्चन सी सी आंसर द फ्लोइंग फर्स्ट क्वेश्चन हाउ इज अ प्रेजेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम अ स्लाइड मींस एक प्रेजेंटेशन एक स्लाइड से अलग कैसे है आंसर

वेयर एज अ अ स्लाइड इज लाइक पेज ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मीन्स एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का कलेक्शन होता है जबकि एक स्लाइड एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक पेज की तरह होता है नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट द यूजेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन मीन्स एक प्रेजेंटेशन के यूजेस को राइट करिए आंसर यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के यूज फर्स्ट वी कैन यूज इट इन एजुकेशन ओके हम इसका प्रयोग एजुकेशन में कर सकते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए और सेकेंड है वी कैन यूज इट इन बिजनेस इसका प्रयोग हम बिजनेस में कर सकते हैं वी कैन यूज इट फॉर गवर्नमेंट पर्पजेस इसका हम गवर्नमेंट पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइड नेविगेशन पेन एंड स्लाइड पेन ओके स्लाइड नेविगेशन पेन और स्लाइड पेन में डिफरेंस क्या है राइट करिए आंसर द स्लाइड पेन ज द मिडल सेक्शन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो वेयर यू कैन वर्क डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल स्लाइड्स मीन स्लाइड पैन पावर पॉइंट विंडो का मिडल सेक्शन होता है जहां पर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं स्लाइड्स पन वेयर एज द स्लाइड्स नेविगेशन पैन इज अ स्मॉल विंडो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन विंडो जबकि स्लाइड नेविगेशन पैन एक छोटा विंडो होता है जो कि प्रेजेंटेशन विंडो के लेफ्ट साइड में होता है

टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइंड प्रेजेंटेशन दैट इंक्लूड्स कस्टम फॉर्मेटिंग एंड डिजाइंस मींस एक टेम्पलेट प्री डिजाइंड प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कस्टम फॉर्मेटिंग और डिजाइन होते हैं ओके okay क्लास इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग